हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की। और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है। तो सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है आप बताइए। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि आपने कुछ गुड्स सेल कर दिए थे, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो गुड्स किसी वजह से आपके पास वापस आ गए हैं, यानी कि जिसने खरीदे थे आपसे वो गुड्स उसने आपको वापस कर दिए हैं। इसका मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न, यानी कि हमारे लिए, हम तो अपने आप को रेफरेंस में रख रहे हैं, तो हमारे लिए चीज क्या हो गई है जब हम अपने बेचे हुए गुड्स को देखते हैं कि यार ये तो वापस आ गए, तो उसको हम क्या कहते हैं अपने लिए? सेल्स रिटर्न, ठीक है। और परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आपने गुड्स परचेज करे और लेकिन आपको किसी वजह से अगर वो पसंद नहीं आए तो आपने जो है उनको वापस कर दिया, तो इसको हमने क्या कहते हैं हम अपने लिए कि हमने गुड्स परचेज करके रिटर्न कर दिए, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट में परचेज रिटर्न। और डिस्कस करते हैं इसको। सेल्स रिटर्न की वजह से आपकी इनकम कम होती है या बढ़ती है बताओ? तो सेल ऑफ गुड्स अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपके साल की इनकम बढ़ती है, लेकिन सेल्स रिटर्न की वजह से तो वो बिके हुए गुड्स वापस आ गए, तो यानी कि सेल्स रिटर्न की वजह से आपकी जो इनकम है इस साल की वो कम होती है। अब ऐसे ही परचेज रिटर्न की बात करते हैं। परचेज पहली बात तो जब आप करते हो गुड्स को तो आपका खर्चा, आपका एक्सपेंस जो है बढ़ता है, और जिसको आप परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हो। और लेकिन अगर परचेज रिटर्न आपने किया, यानी कि आपने जो गुड्स परचेज करे थे वो वापस कर दिए, तो आपका खर्चा कम होगा या बढ़ेगा? तो आपका खर्चा कम होगा क्योंकि आपने गुड्स परचेज जो करे थे वो वापस ही कर दिए, ठीक है। ये मैं इंटेंशनली बता रहा हूँ ये सारी बातें, क्योंकि आगे जो है कहीं ना कहीं यूज होंगी। अब मैं बात करता हूँ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की। डेबिट नोट को हम डेबिट नोट बोलते हैं क्योंकि इसके थ्रू हम बताते हैं सामने वाले बंदे को कि हमने आपका अकाउंट जो है अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया। तो आप एक बात को समझना। अब पहली बात तो डेबिट नोट बनता किस केस में? जब हमने परचेज रिटर्न करे होंगे ना, यानी कि गुड्स का परचेज रिटर्न करा है हमने, तो हम जब हमने गुड्स जो परचेज करे वो रिटर्न कर दिए, तो जितने अमाउंट का परचेज रिटर्न हुआ है उतने अमाउंट का हम डेबिट नोट बना के देते हैं सामने वाले को, क्योंकि इसके थ्रू हम बता रहे होते हैं कि इतने अमाउंट का, क्योंकि हमने गुड्स आपको वापस कर दिया तो हमने आपका अकाउंट अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया है। अब ये समझना थोड़ा सा कि डेबिट कर दिया, डेबिट नोट बना के दे दिया, सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, पर डेबिट क्यों किया होगा? देखिए, सपोज आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज करे थे, तो आपने क्रेडिट पे जब गुड्स परचेज करे तो आपने सामने वाले पर्सन को आपने लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करा होगा, और लाइबिलिटी को जब हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में तो जो लाइबिलिटी नेचर के अकाउंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए, उनको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं? तो उनको हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि लाइबिलिटीज का नेचर क्या होता है कि लाइबिलिटीज को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उनको क्रेडिट करके जो अकाउंट है लाइबिलिटी नेचर का उसको हम जो है ड्यूरिंग द ईयर अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है उस नेचर की, उस चीज की, तो हम उस अकाउंट को हम क्रेडिट करके रिकॉर्ड करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपने जो गुड्स परचेज करे थे क्रेडिट पे, तो आपने सामने वाले को लाइबिलिटी बना लिया, और उस पर्सन का अकाउंट जिससे आपने गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे उसका अकाउंट क्या कर लिया? लाइबिलिटी बनाने के लिए क्रेडिट कर लिया अपने बुक्स में। लेकिन अगर आपने उसमें से कुछ वैल्यू के गुड्स वापस कर दिए, फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 के गुड्स परचेज किए थे तो आपने जो है और क्रेडिट परचेज करे थे गुड्स को सपोज, तो आपने सामने वाले को लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया, कितने अमाउंट से? 10,000 से। सपोज रमन अकाउंट है, तो रमन अकाउंट हमारा लाइबिलिटी अकाउंट है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया? रमन अकाउंट को 10,000 से क्रेडिट कर दिया, ठीक है, यानी कि राइट साइड एंट्री कर दी रमन अकाउंट के। अब अगर आपने सपोज 2,000 के गुड्स वापस कर दिए रमन को, तो अब आपने 2,000 रमन को देने ही नहीं, क्योंकि वो गुड्स जो आपने लिए थे उसमें से 2,000 की वैल्यू के गुड्स तो आप वापस ही कर रहे हो। तो अब जब आप बेसिकली पेमेंट करना चाहोगे तो उसको आप 10,000 पे करोगे या 2,000 कम, यानी कि 8,000। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब उनका जो रमन का अकाउंट है मेरे यहाँ पे 10,000 से क्रेडिट हो रखा है, तो मैं इसको, अगर मुझे अपनी लाइबिलिटी घटानी है तो मैं इसको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा ना, तो मैं 2,000 से रमन अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, क्योंकि 2,000 से मुझे अपनी लाइबिलिटी कम कर दी है, क्योंकि 2,000 की वैल्यू के गुड्स जो मैंने परचेज करे थे वो मैंने रिटर्न कर दिए रमन को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आप सामने वाली पार्टी का अकाउंट अपनी लाइबिलिटी घटाने के लिए, परचेज रिटर्न के केस में आप अपनी लाइबिलिटी घटाते हो और सामने वाले बंदे के प्रति अपनी लाइबिलिटी घटाने के लिए उसका जो अकाउंट है आपकी बुक्स में आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। तो सामने वाले बंदे को बताने के लिए कि आपने उसका अकाउंट अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया है इतने अमाउंट से, तो उतने वैल्यू का एक डेबिट नोट बना के दे देते हो,
तो डेबिट नोट बना के मैं दे रहा हूँ सामने वाले को, तो बस इसके थ्रू मैं बता रहा हूँ कि मैंने उसका अकाउंट जो है ना मेरी बुक्स में वो डेबिट कर दिया है इतने अमाउंट से, 2000 से, तो 2000 वैल्यू का मैं डेबिट नोट बना के दे दूंगा। तो डेबिट नोट में बस यही लिखा होता है कि देखिए मैंने गुड्स आपसे परचेज करे थे और 10000 वैल्यू के, लेकिन 2000 वैल्यू के मैं गुड्स आपको क्योंकि वापस कर रहा हूँ तो उतने वैल्यू से मैंने आपका अकाउंट डेबिट कर दिया है लाइबिलिटी घटाने के लिए। और इसलिए जो है आपको ये बता रहा हूँ मैं, आपको सपने तो आएंगे नहीं कि मैंने प्रॉपर अकाउंटिंग कर ली है अपडेट, तो आप भी अपनी अकाउंटिंग अपडेट कर लो। तो उसके लिए मैं आपको क्या दे रहा हूँ बना के, डेबिट नोट। डेबिट नोट के थ्रू बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने आपका अकाउंट जो है अपने यहाँ पे डेबिट कर लिया है, अब आप भी अकॉर्डिंगली अपने यहाँ पे मेरा अकाउंट क्रेडिट कर लेना। जो भी है मैं तो अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, तो मैंने सामने वाले बंदे का अकाउंट क्या करा है, डेबिट करा है, तो मैं उसको डेबिट नोट बना के दे दूंगा। अब उल्टी बात करते हैं, क्रेडिट नोट की बात करते हैं। आई होप कि आपको डेबिट नोट समझ आ गया है। अगर थोड़ा हैवी लग रहा है तो एक मिनट का चाहे पॉज ले लो और वीडियो रोक दो यहीं पे, क्योंकि अब हम बात करेंगे क्रेडिट नोट की। खैर तो हम कंटिन्यू करते हैं। क्रेडिट नोट का मतलब क्या है कि आपने सामने वाली पार्टी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया है किसी अमाउंट से, तो आप उसको एक्नॉलेज करने के लिए, बताने के लिए क्या कह रहे हो कि ये लो इतनी वैल्यू का क्रेडिट नोट, क्योंकि मैंने इतने अमाउंट से आपका जो अकाउंट है अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, तो पहली बात तो क्रेडिट नोट का मतलब ये होता है, जब हम किसी सामने वाली पर्सन का जिसका अकाउंट मेरे यहाँ पे बना हुआ है उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, तो बाद में क्रेडिट कर रहे हैं किसी अमाउंट से, तो सामने वाले को हम क्रेडिट नोट बना के देंगे उसे। इस तरह ये पता लगेगा कि जो है उसका अकाउंट मैंने जो है वो क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है इस अमाउंट से। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे सेल्स की। जब आप सेल करते हो, सपोज आपने सेल करी, किसी कस्टमर का नाम सोचते हैं हम, किसी कस्टमर का नाम, तो किसी कस्टमर का नाम ले लेते हैं। सपोज आपने सेल करी गुड्स की, आर दिमाग में आ रहा, आर से नहीं लेना मेरे को, एम से लेते हैं। तो सपोज मयंक, मयंक सपोज करके जो एक पर्सन है जिसको आपने सेल करी गुड्स की, ठीक है, तो आपने क्रेडिट सेल करी है सपोज, तो आपने मयंक से अब पैसे लेने हैं या मयंक को पैसे हम देंगे, आपने उसको गुड्स बेचे हैं उधार पे, तो उसने उधार पे सामान खरीदा है आपसे, आपने बेचा है उसको उधार पे, तो पैसे कौन लेगा, पैसे हम लेंगे उससे क्योंकि हमने सामान बेचा है उसको उधार पे। तो हम मयंक को, अब मयंक ने अभी पैसे नहीं दिए तो मयंक को मैं क्या बना लूंगा, क्रेडिटर या डेटर, बताओ मयंक मेरी बुक्स में क्या बन जाएगा, क्रेडिटर या डेटर। पहली बात तो मयंक बन जाएगा क्या, क्योंकि वो मुझे पैसे देगा फ्यूचर में, तो ऐसा पर्सन जो मुझे पैसे देगा फ्यूचर में वो मेरे लिए एक तरह का क्या है, असेट है। और किस नाम से मैं रिकॉर्ड करता हूँ इसको, डेटर अपने आप में इसका मतलब होता है। तो जो भी पर्सन से आपने पैसे लेने हैं फ्यूचर में, क्योंकि अभी उसने जो उधार पे आपसे सामान खरीदा है, तो उसको आप क्या कहते हो, डेटर। डेटर का नेचर क्या होता है, असेट। तो मयंक अकाउंट को आप जो बेसिकली अपना असेट बढ़ाओगे मयंक अकाउंट में, मयंक अकाउंट डेटर अकाउंट यानी कि, तो आपको रिकॉर्ड करने के लिए क्या करो, तो असेट्स का रूल क्या होता है, असेट्स को ड्यूरिंग द ईयर अगर आप इंक्रीज करते हो तो उसका जो अपना अकाउंट है यानी कि मयंक अकाउंट इस केस में आप क्या करोगे, डेबिट कर लोगे, क्योंकि असेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट करते हो आप उनके अकाउंट को। ठीक है, सपोज ये जो सेल हुई थी ना गुड्स की, ये 25,000 की हुई थी, तो मैं 25,000 मयंक से मुझे लेने हैं फ्यूचर में, तो मैं मयंक अकाउंट को 25,000 से डेबिट कर दूंगा। अब किसी वजह से मयंक ने सेल्स रिटर्न कर दिया, यानी कि सपोज 5,000 की गुड्स उसने मुझे वापस कर दिए, तो 5,000 की गुड्स उसने मुझे वापस ही कर दिए, तो क्या आप मुझे 25,000 लेने हैं या 5,000 कम लेने हैं, 5,000 कम लेने हैं, तो मैं अपना डेटर जो है कहीं ना कहीं 5,000 से बढ़ा लूंगा या कम कर लूंगा अपनी बुक्स में, आप बताओ, कम करूंगा और क्या, तो बिल्कुल कम करेंगे हम। और डेटर को यानी कि असेट को अगर कम करना चाहते हो आप, तो जो उसका अकाउंट आपने मेंटेन कर रखा है उसको आप क्या करोगे कम करने के लिए असेट को, तो आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो हम मयंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 5,000 से, क्यों, क्योंकि मुझे 5,000 से अपना डेटर रिड्यूस करना है, क्योंकि अब मुझे 5,000 नहीं मिलने वाले मयंक से, क्योंकि मयंक ने वो 5,000 की वैल्यू के गुड्स मुझे वापस ही कर दिए, तो वो मुझे उतनी पेमेंट अब क्यों करेगा। अब ये वाली बात बताने के लिए कि आपने उसका अकाउंट 5,000 से क्रेडिट कर दिया है क्योंकि उसने सेल्स रिटर्न करी थी गुड्स की आपको, तो आप उसको जो है क्रेडिट नोट बना के दे दोगे। क्रेडिट नोट क्या बता रहा है कि मैंने मयंक को मैं क्रेडिट नोट बना के जो है हैंड ओवर कर दूंगा, और क्रेडिट नोट मैं उसे बना के दे रहा हूँ उसका मतलब क्या है कि मैं उसे बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आपका अकाउंट अपनी बुक्स में क्रेडिट कर लिया है 5,000 से, यानी कि आपको एज अ डेटर मैंने जो है 5,000 लेकिन जो है रिड्यूस कर लिया है क्योंकि आपने 5,000 के गुड्स जो है वापस कर दिए हैं मेरे को। ठीक है, तो बस, और ताकि उसको मैं बता रहा हूँ क्रेडिट नोट देखे कि मैंने आपका अकाउंट जो है जितना चेंज करना चाहिए था तो वो मैंने कर दिया क्रेडिट करके सेल्स रिटर्न के बाद। अब आपको मैंने क्रेडिट नोट दे दिया तो आप भी अकॉर्डिंगली अपनी फिर उधर एंट्री कर लेना, यानी कि आप भी मेरे को एज अ लाइबिलिटी कम कर देना, तो मेरा अकाउंट वो क्या करेगा, डेबिट कर देगा। जो भी है वो क्या करेगा, मैं उससे मतलब नहीं है, हम अपनी बात कर रहे हैं। तो मयंक
बैंक अकाउंट जो है बेसिकली डीटर अकाउंट, क्योंकि मुझे घटाना है तो मैं क्रेडिट करके घटा दूंगा 5,000 से, और 5,000 की वैल्यू का क्रेडिट नोट बना के उसको दे दूंगा, जिसमें बस ये लिखा होगा कि जो है 5,000 से मैंने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि आपने जो है जो गुड्स खरीदे थे मेरे से वो वापस कर दिए मेरे को, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आपको अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का मतलब समझ आ गया होगा, और इसी के साथ आज हमारी ये जो वीडियो है कंप्लीट होती है। लेकिन ये वाली बात थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, गूगल पे मैं एक दो लाइनें पढ़ी थी मैंने इसके बारे में, तो अच्छी मुझे लगी वो, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। और ओवरऑल कंक्लूजन ये जो लिखा है ये अच्छा कंक्लूजन है कि अल्टीमेटली डेबिट नोट क्रेडिट नोट का मतलब ये होता है कि नॉर्मली अ डेबिट नोट इज इशूड व्हेन देयर इज अ रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि परचेज रिटर्न, यानी कि अगर आपने गुड्स परचेज जो करे थे वो रिटर्न कर दिए तो आप क्या बनाओगे, डेबिट नोट। और अगर आपको जो आपने गुड्स बेचे थे वो आपको वापस आ गए यानी कि सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न के केस में आप क्या बनाओगे, क्या क्रेडिट नोट, और क्रेडिट नोट बना के सामने कस्टमर को दे दोगे। तो बस तो बात मेनली यही है कि आपको ओवरऑल ध्यान ये रखना है कि परचेज रिटर्न अगर आपने करी है गुड्स की, तो आपने यानी कि गुड्स खरीद के वापस करें तो आप डेबिट नोट बनाते हो अपनी लाइबिलिटी कम करने के लिए, क्योंकि और जो है अगर आपको गुड्स वापस कर दिए सामने वाले ने तो आपकी सेल कम हो गई, आपकी इनकम कम हो गई, तो बेसिकली आप डेटर अपना कम करते हो तो उसका अकाउंट जो है आप क्या करते हो, क्रेडिट कर देते हो, और क्योंकि क्रेडिट करा है सामने वाली पार्टी का अकाउंट तो आप क्या करते हो, आप जो है क्रेडिट नोट बना के दे देते हो उसको, ठीक है। ओके, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट प्लीज मत करना, और ये आपका वैसे भी जिस तरह से कहीं पे भी आए हो आप, चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए वीडियो देख रहे हो, आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, या ग्रेजुएशन कर रहे हो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि किसी भी लेवल पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना इस टॉपिक को, जो जैसे मैंने आपको समझाया है उसी को उसी लैंग्वेज में आप अपना बना के जो लिखोगे तो आपके तीन नंबर का, दो नंबर का नंबर, दो नंबर तीन नंबर का क्वेश्चन आता है, उससे ज़्यादा का तो आता नहीं, तो आपको ऑलमोस्ट फुल मिल जाएंगे, ठीक है। और मायने बस ये रखता है कि आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट का आसान शब्दों में मतलब समझ आ जाए, उसके बाद मुझे पता है कि अगर आपको मतलब समझ आ जाएगा तो आप लिख लोगे, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फायदा होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच कि आपने जो वीडियो यहाँ तक देखी, अगर देखी तो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।